और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम नमस्ते ससुराकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तुर्की तुर्की और तुर्की, अब तुर्क एम्पायर टूट कर कई छोटे बड़े देशों में बिखर गया था। जब तुर्की को टुकड़े टुकड़े करके पश्चिमी देशों ने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया था, तब के तुर्क नेताओं ने तुर्की को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अंत में रह गया एक छोटा हिस्सा, एक छोटे से हिस्से में सिकुड़ जाने वाला तुर्की पश्चिमी देशों की आंख में एक नासूर की तरह है। तुर्की को इस्लामिक देश होते हुए भी एक सेकुलर है, तमाम धर्मों के लोग तुर्की में रहते हैं, पर जब तुर्की अपने इज्जत और वकार बचाना चाहता था तब उसे कड़वा जहर भी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। मस्जिदें वीरान कर दी गई, कुछ को म्यूजियम बना दिया गया, कुछ की पहचान को खत्म कर दिया गया, अरबी में अजान देने पर पाबंदी आयत कर दी गई, अजान को अंग्रेजी में देने का हुक्म सुनाया गया, और तो और इमाम अरबी में नहीं बल्कि अंग्रेजी जबान में नमाज पढ़ाएंगे, यहां तक कि तुर्क जबान के लिए अरबी लिपि की कुर्बानी देनी पड़ी और रोमन लिपि को कबूल करना पड़ा, यानी तुर्की में लिखने के लिए अब रोमन भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा ना कि अरब। ये ठीक वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर हिंदी और उर्दू बोलने वाले रोमन में लिखते हैं। शराब को आम कर दिया, यानी तुर्की में शराब नोशी के लिए हर नुक्कड़ और चौराहे पर शराब की दुकान खोली गई। इसी वजह से आज भी तुर्की में शराब पीने वाले मुसलमान हद से ज़्यादा हैं। तुर्की में जिस्म की नुमाइश आम है। तुर्की में तो 100 साल पहले हिजाब, लाल टोपी और कई मजहबी पहचान को ख़त्म कर दिया गया। पश्चिमी कल्चर को फ़रोग देने के लिए मुस्लिम पहचान और तुर्क कल्चर को इतिहास से ही ख़त्म करने की कोशिश होने लगी। इतिहास गवाह है, जब किसी कौम को ख़त्म करना होता है तब उनसे उनकी पहचान को छीन लिया जाता है। मसलन वो नमाज पढ़ने से रोकना, नमाज में खलल पैदा करना, टोपी में नज़र आने वाले लोगों का बहिष्कार करना, और तो और हिजाब, बुरका, नकाब, चोगा और पगड़ी पर एतराज़ करना ही किसी कौम को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश के दौर पर देखा जाता है। लेकिन जब तुर्की की बात होती है तब 100 साल पहले तुर्की ने इस तमाम पाबंदियों का सामना किया। यूँ समझ लीजिए कि तुर्की सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा भर रह गया था, लेकिन तुर्की पर खामोश तरीके से पश्चिम का कंट्रोल था। तुर्की का हर फैसला पश्चिमी के इशारे पर तय होता। कुछ अरसे के बाद तुर्की नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा भी बन गया, लेकिन 20 साल से तुर्की की सत्ता में रजब तैयब अर्दगान बने रहने के दौरान तुर्की ने बहुत से फैसले लिए जिसके तहत वो अपनी पुरानी पहचान को जिंदा रखने में कामयाब हो गया। किताबों, फिल्मों और टेलीविज़न ड्रामा सीरीज़ के ज़रिए तुर्की की नई नस्लों को उनके अतीत से रूबरू कराया जा रहा है, पर तुर्की ने इस दौरान खुद को दूसरे इस्लामिक देशों से कई ज़्यादा ताकतवर बना लिया है। आज तुर्की दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर से आंख डालकर सवाल कर रहा है। जिन देशों से दुश्मनी के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, तुर्की उन देशों को सीधे टक्कर दे रहा है। नाटो का मेंबर होने के नाते तुर्की की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है, पर नाटो के लिए तुर्की बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। खासकर अमेरिका को तुर्की लाल लाल आग दिखा रहा है और बेचारा अमेरिका बेइज्जत हो रहा है। तुर्की ने तमाम अरब देशों से अपने रिश्ते सुधार लिए, भारत के साथ उनका सदियों पुराना नाता मजबूत हो गया। पाकिस्तान पहले से ही तुर्की का गाना गा रहा है, रूस और चीन भी तुर्की के साथ खड़े हैं, पर तुर्की नाटो के साथ है लेकिन अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। तुर्की ने यूक्रेन की जंग में नाटो के दखल देने के बाद भी रूस से रिश्ते कायम रखे, और तुर्की का रूस के नज़दीक जाना ही अमेरिका और नाटो की नींद हराम कर रहा है। अब खबर आई है कि तुर्की ने खुद को न्यूक्लियर पावर बना लिया, यानी अब तुर्की एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है, जिसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है तुर्की किस हद तक नाटो से नाराज़ चल रहा है। यहाँ तक कि तुर्की के भीतर भी पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बगावत का लावा उबल रहा है। तुर्की की बगावत से अब नाटो परेशान है, अमेरिका परेशान है, पश्चिम के देश बेचैन हो चुके हैं, क्योंकि रूस के साथ तुर्की की यारी अब नाटो और पश्चिमी देशों पर भारी पड़ रही है। यहाँ तक कि यूक्रेन की बुरी तरह से हार भी हो सकती है, और तो और नाटो और पश्चिमी देशों की इज्जत खाक में मिलने के आसार भी लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तुर्की की वजह से नाटो को रूस से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने ऐलान किया है कि तुर्की अकायू पावर प्लांट की पहली बिजली इकाई में परमाणु ईंधन वितरण के साथ ही परमाणु ऊर्जा संपन्न वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया है। रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि हमारे प्लांट को समंदर और हवा से परमाणु ईंधन की डिलीवरी के साथ अकायू ने अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दर्जा हासिल कर लिया, इसलिए हमारा मुल्क परमाणु ऊर्जा वाले देशों के लीग में पहुंच गया। भले इसके लिए 60 सालों तक देश को इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये सिर्फ महज कोई बयान नहीं है बल्कि ऐलान है कि तुर्की अब न्यूक्लियर एनर्जी वाला देश बन चुका है।
लेकिन ये काम तुर्की अकेले नहीं कर सका, बल्कि इसमें उसकी सबसे बड़ी मदद की है रूस ने। क्यू परमाणु ऊर्जा संयंत्र तुर्की का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो दक्षिणी भूमध्य सागरीय तट पर मैरसिन प्रांत में रूस की राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम द्वारा बनाया गया है। एर्दोगान ने रेखांकित किया है कि बिजली संयंत्र तुर्की और रूस के बीच सबसे बड़ा संयुक्त निवेश है और इस बात की प्रतिबद्धता जाहिर की है कि अंकारा सरकार जल्द से जल्द दूसरा और तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी। पुतिन ने दोनों देशों के बीच इस सबसे अहम साझेदारी में से एक के तौर पर अक्यू परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्वागत किया। पुतिन ने कहा, यह एक प्रमुख प्रोजेक्ट है और ये पारंपरिक आर्थिक सहयोग देगी और निश्चित रूप से ये हमारे दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने में मदद करेगी। रूसी नेता ने कहा, अर्दोगन व्यक्तिगत रूप से रूसी तुर्की संबंधों के विस्तार पर बहुत ध्यान देते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2010 में दोनों देशों ने रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम को अक्यू संयंत्र का निर्माण और संचालन करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किया था, जिसमें 4 परमाणु रिएक्टर इकाइयों का निर्माण शामिल था। प्रत्येक में 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। इस करार के तहत अक्यू संयंत्र का निर्माण 20 अरब डॉलर की रूसी पूंजी के साथ किया गया। निर्माण 2018 में शुरू हुआ और 2026 में पूरा होने वाला है। एक बार पूरी तरह चालू होने के बाद संयंत्र से घरेलू बिजली की लगभग 10% जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना 35 बिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन करने की उम्मीद है। रूस और तुर्की के बीच इस बड़े करार के बाद पश्चिम की नींद हराम हो गई है, क्योंकि उनका एक बड़ा साझेदार अब नाटो और अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन रूस के साथ यारी निभा रहा है। और रूस के साथ तुर्की यारी सिर्फ जुबानी नहीं है और ना ही रूस के साथ तुर्की की दोस्ती कारोबारी लिहाज से है, बल्कि तुर्की इस वक्त रूस का सबसे करीबी दोस्त नज़र आ रहा है। अब तुर्की की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन जंग में तुर्की नाटो के साथ खड़ा है, लेकिन रूस का साथ भी दे रहा है। जबकि रूस पर पश्चिमी की तमाम पाबंदियाँ लगी हुई हैं, फिर भी नाटो का अपना सहयोगी ही रूस के साथ कारोबारी रिश्ते चला रहा है, और न सिर्फ चला रहा है बल्कि रूस की मदद से खुद को परमाणु संपन्न देशों की लिस्ट में शुमार कर चुका है। तुर्की का यही कारनामा बाइडेन और यूक्रेन के लिए खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका और नाटो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन तुर्की अब बदल चुका है और बदल चुकी है दुनिया की सियासत, और अब वक्त के साथ पश्चिम को अपना नज़रिया भी बदलना होगा, वरना हर दौर में सुपर पावर की परिभाषा बदलती रहती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त, जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।